कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो गाइज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, कुछ चैप्टर्स हैं बेसिकली, उन चैप्टर्स में कोई वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को हम ना एग्जैक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं। उनका मीनिंग हम जानते हैं बट वी आर नॉट एबल टू यूज़ देम इन प्रॉपर वे। तो आज उन वर्ड्स को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा गाइज। तो देखिए, सबसे पहले एक सेंटेंस लिखता हूं और आप लोग मुझे ना उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके दिखाइए, ठीक है? सेंटेंस है, वह अच्छा खेलता है, वह अच्छा खेलता है। ये एक सेंटेंस है गाइज। अब इस सेंटेंस में आप लोग देख पा रहे होंगे कि अच्छा वर्ड यूज हुआ है, अच्छा। अब मैक्सिमम लोगों को पता है कि अच्छा का मतलब होता है गुड, ठीक है? मैं आप लोगों को दो ऑप्शन देता हूं, आप लोग ट्राई करना कि इसमें कौन सा वर्ड एग्जैक्ट आएगा इसमें, ठीक है? दो ऑप्शन है, गुड और वेल। तो बताइए गाइस क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ पे वेल का यूज करेंगे, वेल, ठीक है? ही प्लेज वेल। देखिए, अब वेल और गुड में थोड़ा डिफरेंस क्लियर करते हैं गाइस। आप लोगों ने नाउन का चैप्टर तो सुना ही होगा ना। सो नाउन का चैप्टर जो है उसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन सो यू कैन चेक आउट दैट एंड यू कैन सी, यू कैन स्टडी द नाउन चैप्टर। एक्चुअली मैं नाउन के बारे में क्यों कह रहा हूँ, देखिए नाउन बेसिकली इस चैप्टर से, इन वर्ड से कनेक्टेड है। अब ये जो मैंने यहाँ पे गुड वर्ड जो लिखा है ना, ये एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का क्या काम होता है सेंटेंस में? एडजेक्टिव यूज होता है नाउन के लिए। अगर आपको नाउन नहीं पता होगा ना तो एडजेक्टिव वेस्ट है। आप एडजेक्टिव पढ़ के कोई फायदा नहीं कर सकते। आपको पहले नाउन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप एडजेक्टिव का एग्जैक्ट मीनिंग समझ पाएंगे, ठीक है? लेकिन मैं आपको थोड़ा अगर शॉर्ट में बताऊं तो नाउन होता क्या है। नाउन बेसिकली किसी भी इंसान, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है? तो देखिए, अब एक इंसान की हम बात करें यहाँ पे, वह खेलता है, वो इंसान है, ठीक है? तो ही इज अ नाउन, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अगर मैं वह की जगह बोलूं रवि खेलता है, तो एक पर्सन खेल रहा है ना। तो अगर मैं उस पर्सन की क्वालिटी बताता हूँ ना गाइज, दैट टाइम आई यूज गुड, ठीक है? जब भी आप किसी पर्सन की क्वालिटी बताते हैं तब आप गुड का यूज करते हैं। समझना, एक इंसान की तारीफ हम दो तरीके से करते हैं, एक उसके काम से, एक उसकी लुक से, उसके बॉडी शेप से, या उसके मीन्स रूप से उसकी तारीफ करते हैं। तो अगर जब आप उसकी तारीफ उसके रूप से, उसकी बॉडी शेप से, या फिर उसकी अपीयरेंस से करते हो, तब आप यूज़ करते हो गुड, ठीक है? लेकिन जब आप उसकी तारीफ उसके काम को देख के करते हो तब आप यूज़ करते हो वेल। फॉर एन एग्जाम्पल, वह अच्छा खिलाड़ी है, अब यहाँ पे गुड का यूज़ होगा, ही इज़ अ गुड प्लेयर। लेकिन अगर मैं बोलूँ वह अच्छा खेलता है, तो अब उसकी तारीफ नहीं हो रही है गाइज, यहां पे उसके काम की तारीफ हो रही है। तो ही प्लेज वेल, यहां पे वेल का यूज करो। और ये जो वेल वर्ड है, अब इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूं। वेल बेसिकली हम यूज करते हैं एज ए एडवर्ब, एडवर्ब है ये हमारी। अब एडवर्ब का क्या काम होता है? एडवर्ब का काम होता है किसी वर्ब की क्वालिटी बताना, या फिर वर्ब को मॉडिफाई करना। जैसे वर्ब है हमारी प्ले, अब प्ले के साथ ये यूज होगा, प्ले को इसने मॉडिफाई कर दिया। देखो, एडजेक्टिव का काम क्या था? किसी नाउन को मॉडिफाई करना या नाउन की क्वालिटी बताना। इन द सेम वे एडवर्ब का काम होता है किसी वर्ब की क्वालिटी बताना। तो गुड वर्ड यूज हुआ नाउन के लिए और वेल वर्ड यूज हुआ वर्ब के लिए, क्रिया के लिए। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। वह अच्छा विद्यार्थी है, तो यहां पर उसकी तारीफ हो रही है ना, सो ही इज अ गुड स्टूडेंट। लेकिन अगर आप बोले वह अच्छा पढ़ाता है, तो ही टीच वेल, अब उसकी तारीफ नहीं हो रही, अब उसके पढ़ाने की तारीफ हो रही है। ही टीच वेल, टीच की तारीफ हो रही है अब यहां पर, और जहां पर गुड लगाया वहां पर उसकी तारीफ हो रही थी। सो प्लीज गाइज इस चीज को ध्यान में रखें कि कब गुड लगाना है और कब वेल लगाना है। आप एक चीज़ को अगर माइंड में याद रखेंगे ना, कि अगर मुझे इंसान की तारीफ करनी है तो गुड लगाऊंगा, और उसके काम की तारीफ करनी है तो वेल लगाऊंगा, तो आसानी से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो।
ठीक गाइज, होप यू गाइज हैव इंजॉयड द क्लास, आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एडजेक्टिव और एडवर्ब, और आप सीखना चाहते हैं इस चैप्टर को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, मैं आपको डेफिनेटली इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस जरूर बना के दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं या आपको लगता है कि इनसे आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए जो भी आपको सीखना है, जो भी चैप्टर आपको कन्फ्यूज़न लगती है ना जिस चैप्टर में, प्लीज़ राइट द चैप्टर नेम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइज हैव इन्जॉयड द क्लास।